हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज आपको अपडेट देंगे यूईआर 2 के पैकेज 1 का। अभी मेरी जो लोकेशन है, अभी मैं हूँ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 3 में, और ये जो क्रॉसिंग आ गई है, ये जो पैकेज 4 है यूईआर 2 का, जो सोनीपत को जाता है, ये वही वाला एनएच आ गया है, एनएच 344P, जो कि बवाना से लेके और बड़वासनी बाईपास तक गया हुआ है। तो अब हम आ गए हैं, ये एनएच है, ये मतलब एक डीएसआई-डीसी का रोड था जिसको नेशनल हाईवे बना दिया गया है अब। और अब इससे मैं मेन यूईआर 2 की साइड जा रहा हूँ, और यहाँ से हम चलेंगे सेक्टर 5 तक। इस बीच में देखते हैं हम इसमें कितना काम हुआ है, क्योंकि मौसम अभी 2 दिन इनसे बड़ा ख़राब था और आज लाइट सही हुई, थोड़ी सी धूप आ गई है। ये देखिए लेफ्ट में, हाँ, ये एक अंडरपास है, जो कि जिस जो इस रोड से जो लोग आएंगे वो इस अंडरपास का इस्तेमाल करते हुए दाएं साइड मुड़ सकेंगे रोहिणी की साइड जाने के लिए, रोहिणी या द्वारका की साइड। इसमें थोड़ा सा काम बच गया है। ये सामने जो फ्लाईओवर है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इस अंडरपास में थोड़ा सा काम बचा हुआ है, क्योंकि इसके बीच में जल बोर्ड की जो पानी की लाइन थी, वो इसके बीच में आ गई है, और एक कुछ बिजली की लाइन इसके बीच में है, जिसकी शिफ्टिंग का काम अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कम काम उसमें चल रहा है शिफ्टिंग का, पानी की लाइन शिफ्टिंग और बिजली की लाइन, जिसे आप देख सकेंगे। यहाँ देखिए पानी के पाइप, ये देखिए यहाँ है अभी पानी के पाइप, बिजली केबल्स यहाँ है। इस वाला ये जो पार्ट जो इसमें इसके पीछे इन्होंने किया हुआ है, जो मैट लगा हुआ है इसके पीछे, बस थोड़ा सा हिस्सा ही लगा लो कुछ मीटर का, उसमें ही ये अंडरपास नहीं बनाया, बाकी बन चुका है बाकी हिस्से में। यहाँ से हम लेफ्ट चलेंगे सेक्टर 5 की साइड, उसके बीच में वेस्टर्न कैनाल जो है, गंगा वेस्टर्न कैनाल, वहाँ जो है कुछ काम नहीं हुआ था, वो भी देखेंगे हम। ये देखिए ये वाला फ्लाईओवर, ये बिल्कुल कंप्लीट है, ये उन लोगों के काम आएगा जो आएंगे NH-44 की साइड से, और जिन्हें जाना होगा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया या सोनीपत की साइड में, उनके लिए ये फ्लाईओवर काम में आएगा। यहाँ से आगे कंप्लीट बना हुआ है, देखिए यहाँ लेफ्ट में देखो, एक है ना लेफ्ट में एक आपको दिखाई देगा, ये एक अंडरपास है, ये अंडरपास काम आएगा जो लोग आएंगे द्वारका की साइड से, द्वारका मुड़का की साइड से आएंगे, और जिन्हें रोहिणी सेक्टर 34, 35, 29 इस साइड जाना है, उन लोगों के ये काम आएगा, ये यहाँ से दाएं मुड़ने के लिए काम में आएगा ये वाला अंडरपास। यहाँ कुछ काम बचा हुआ था, जहाँ ये जो अंडरपास है उसके ऊपर से ब्लैक टॉप नहीं हुआ था, अब ये हो चुका है। देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये तैयार नहीं था, अभी से ये कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। हाँ, और ये यमुना वेस्टर्न कैनाल, ये भी इन्होंने दोबारा से बना दिया है अपने हिसाब से, और इसका फ्लाईओवर चौड़ा करने का काम भी हो रहा है, इसका जो यमुना कैनाल का जो ब्रिज है इसे चौड़ा किया गया है, यहाँ तक बना दिया, लेकिन अभी ये वाला पार्ट अभी भी बच गया है, ये नहीं किया इन्होंने अभी। ये भी नहीं बनाया, सभी लेयर्स बनी हुई है, 4 लेयर बेसिक, उसके ऊपर एक एसएमए कोट, ये वाला यहाँ से आगे बिल्कुल फाइनल है।
अब यहाँ देखिए बिल्कुल कंप्लीट UR2 सेक्टर 5 मेरे लेफ्ट में है, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया का सेक्टर 5, और उसके साथ साथ ये जो रोड है बिल्कुल कंप्लीट यहाँ हो चुका है और साइन बोर्ड लगाने की तैयारियाँ अब यहाँ हो रही हैं। जो ये ग्रिल्स लगी हुई हैं इन पर पेंटिंग भी हो चुकी है, लाइटें भी लग चुकी हैं, क्रैश बैरियर तैयार है, पेंटिंग हो चुकी है, पेमेंट मार्किंग जो है ये वाइट मार्किंग ये भी हो चुकी है। यहाँ देख के मतलब ये चीज़ें देख के मतलब ये बड़ा पॉजिटिव आता है कि भाई पॉजिटिव वाइब आती है कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जिसका हमको ये अपडेट बनाना है वो देखिए सामने आपको दिखाई देंगे फ्लाइवर्स, ये फ्लाईओवर काम आएगा, यहाँ से इसे यू टर्न भी ले सकते हैं, और जो भवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 5 की साइड से जो लोग आएंगे वो भी इसी फ्लाईओवर को इस्तेमाल करते हुए मेन UER2 पर आ सकते हैं। काम देखिए काफ़ी काम हो गया अब तो। सिर्फ यहाँ कुछ हिस्से बचा है अभी, ये पिलर्स कैप नहीं लगे कुछ हिस्से में, बस यहाँ काम बचा है अभी, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ इसमें भी कुछ काम बचा हुआ है, ये फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे आके ये इसमें आगे मिल जाएगा यहाँ, और वो फ्लाईओवर है जो सेक्टर 5 की साइड से आएगा DD मॉल के पास से। जो लोग आएंगे DD मॉल के साइड से सेक्टर 5 से या नरेला सेक्टर G7 G8 उस साइड से जो लोग आएंगे, और जिन्हें मेन UER2 में जाना है द्वारका की साइड, वो इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हुए मेन UER2 में आ सकते हैं। ये रहा इन फ्लाईओवर्स के साथ में यहाँ पे अंडरपास ही बनाए जा रहे हैं। ये देखिए अभी इनके इंजीनियर से पूछा ही कि हम 15 डेज में ये अंडरपास तो हम कंप्लीट ही कर देंगे, इसमें सिर्फ ये काम बचा है। ये देखिए इसमें ये वाला जो बॉक्स था ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ये भी अब 15 डेज में कह रहे हैं कंप्लीट कर देंगे। ये अंडरपास बेसिकली काम आएगा जो लोग आएंगे GT रोड की साइड से, और जिन्हें इंडस्ट्रियल एरिया में सेक्टर 5 की साइड जाना है वो लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं अभी दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ आपको, और कास्टिंग का काम अभी हो रहा है यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा आगे से उस साइड से और दिखाता हूँ आपको इसको अंडरपास को बिना ड्रोन के, इस तरीके से समझाना ही ठीक रहेगा। फिलहाल ड्रोन बैन भी है, अभी मुझे लेना भी है और अभी फ़िलहाल बैन है, 14 फरवरी तक बैन है अभी दिल्ली में। ये बिल्कुल मिडल में जो दिखाई दे रहा है यहाँ आके ये फ्लाईओवर मर्ज हो जाएगा, जो कि सेक्टर 5 से आएगा और जो हमारे अभी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुआ वो वाला, मतलब कि ये यू टर्न लेने में भी सहायक होगा, और जो लोग सेक्टर 5 की साइड से आएंगे उनको दाएं साइड मुड़वाने के लिए भी कामयाब होगा। अब इस साइड तो है ये फ्लाईओवर्स जो कि दाएं साइड राइट टर्न के काम भी आएंगे और यू टर्न के काम भी आएंगे। सेम इसी तरीके से आगे जाकर यहाँ पर है अंडरपास, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये अभी मैं जा रहा हूँ NH44 की साइड में, और ये जो कैरिज वे है ये है जो कि NH44 से द्वारका की साइड जाने के लिए इस्तेमाल में आएगा। अभी हम इसमें चल देते हैं, मतलब चल सकते हैं,
क्योंकि अभी ओपन नहीं है पब्लिक के लिए, तो इसमें किसी भी साइड चलना ऐसा कोई अभी फ़िलहाल मना ही नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा आगे जाके जाके ना वापस आएंगे, उसमें थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए मार्किंग हो चुकी है, लाइटें लग चुकी हैं, पेंटिंग हो चुकी है, कमाल बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ से मैं वापस इसे घुमाता हूँ, यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब जैसे मैं आ रहा हूँ मान लो होलम्बी की साइड से, NH-44 की साइड से, और मुझे जाना है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 5 में। ये देखिए ये डायरेक्शन है NH-44 की साइड से। NH-44 से जैसे हम आएंगे यहाँ आकर ऑप्शन मिलेगा इसमें अंडरपास में जाने के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ से बंद किया हुआ है, कुछ काम इसमें हो रहा है। और ये देखिए हम इस साइड से चलते हैं। सेम ऐसे जो लोग सर्विस रोड के अंदर होंगे, सर्विस रोड से भी ऑप्शन मिलेगा इसमें जाने के लिए। एक ऑप्शन ही होगा, सर्विस रोड वाला सीधा भी निकलना चाहे तो यहाँ से सीधा निकल सकता है, और जिसे अंडरपास में आना है जैसे मेन कैरिजवे वाला इस साइड से आएगा और सर्विस रोड वाला यहाँ से आएगा, आगे जाके ये एक ही हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी काम होगा, इस पे शेड्स लगाए जाएंगे। दूसरे वाली साइड देखिए लगाए जा चुके हैं, यहाँ इसमें लगाए जाएंगे। ये देखिए अंडरपास कंप्लीट है, अब तो फाइनल इसके जो काम है वही हो रहे हैं। इसका फ्रेम अभी लगाया जा रहा है, उसके बाद में इसमें ये शेड्स लगाए जाएंगे सेम जैसा उस साइड किया गया है। अब ये काम कैसे आएगा, जो लोग आएंगे NH-44 के साइड से इस अंडरपास का इस्तेमाल करके वो दाएं साइड मुड़ सकेंगे या इससे यू टर्न भी ले सकेंगे। यहाँ से समझिए, अब जो लोग आएंगे NH-44 की साइड से इस वाली डायरेक्शन से और यहाँ द्वारका की साइड जाएंगे, मेन कैरिजवे पर रहेंगे तो द्वारका की साइड जा सकेंगे, इस अंडरपास का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से राइट टर्न ले सकेंगे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, और साथ में इसमें ऑप्शन होगा कि यू टर्न लेके यहाँ से वापस भी आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से बनाए गए हैं फ्लाईओवर और अंडरपास दोनों ही, कि इससे दाएँ साइड भी मोड़ा जा सकता है और वापस भी आया जा सकता है। ये लोकेशन जो है 5 किलोमीटर है यहाँ से NH-44, मतलब NH-44 से 5 किलोमीटर के बाद ये लोकेशन आएगी और यहाँ से हम बवाना सेक्टर 5 पहुँच जाएंगे। और बवाना सेक्टर 3 लगभग हुआ यहाँ से 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और आगे यहाँ से, टाइम की बहुत बचत होगी। अभी काफ़ी टाइम लगता है, उसके मुकाबले बहुत कम टाइम लगने लगेगा जब से ये ओपन होगा। तो हम होप करेंगे कि जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।